रेखा बात स्वागत है आपका। कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अब बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कनिका कपूर के प्रोटोकॉल तोड़ने के मामले में अब लखनऊ पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद पुलिस ने उन पर मामला दर्ज किया, इसमें उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। गौरतलब है लंदन से लौटने के बाद कनिका ने लगातार लोगों से संपर्क बनाए रखा। उन्होंने इस दौरान कुछ पार्टियों में शिरकत किया और पार्टियों में देश की कई दिग्गज हस्तियां मौजूद थीं। इसमें केंद्रीय और राज्य मंत्री के साथ ही राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनके बेटे व सांसद दुष्यंत सिंह भी मौजूद थे। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने इससे पहले कहा था कि कनिका कपूर ने विदेश से आने के बाद प्रोटोकॉल तोड़ा है, वो बिना किसी को सूचित किए कई जगहों पर गई, ऐसे में उन पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस को महामारी घोषित किए जाने के बाद ये सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वे प्रोटोकॉल का पालन करें और विदेश से आने के बाद खुद को क्वारंटाइन करने के साथ ही किसी भी तरह के लक्षण मिलने पर स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें, लेकिन कनिका ने ऐसा नहीं किया। नीरज हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। नीरज, कनिका का जो ये पूरा मामला सामने आया है, जो प्रोटोकॉल तोड़ के गैर जिम्मेदाराना एक हरकत एक सेलिब्रिटी की तरफ से की गई, उस पर FIR दर्ज हो गई है, अपडेट लेना चाहेंगे आपसे। जी हिना जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि 11 मार्च को कनिका लंदन से आई थी। यहाँ 11 मार्च को वो लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची थी। हम आपको बताना चाहेंगे कि लखनऊ के डोमेस्टिक एयरलाइन पर वो मुंबई से आई थी, जहां पर कोरोना टेस्ट को लेकर कोई भी उपाय नहीं किए गए हैं, जिसका फायदा उठाते हुए वो लखनऊ आई। यहां पर वो पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी के कार्यक्रम में शामिल हुई, कई कार्यक्रमों में लगी हुई, उस पर चौहत्तरपुर भी कांड वापस लखनऊ आई। इस वक्त 400 लोगों के आसपास उन्होंने मुलाकात की, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह से भी मुलाकात की। कहीं ना कहीं ये प्रशासन की घोर लापरवाही है। जब इन्होंने लंदन से यात्रा की थी, मुंबई एयरपोर्ट पर इनसे कहा गया था आइसोलेट रहने के लिए, लेकिन वो वहां से निकलकर लखनऊ पहुंची। लखनऊ पहुंचने के बाद यहाँ पर कई कार्यक्रमों में प्रोटोकॉल तोड़ते हुए उन्होंने कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जिसमें कई बड़ी बड़ी हस्तियां भी शामिल रही। कहीं ना कहीं लखनऊ के लिए एक भयावह स्थिति पैदा हो गई, जिसको लेकर मुख्यमंत्री के निर्देश पे कल रात 11:22 पे इनके खिलाफ सरोजनी नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस समय ये मौजूदा समय में SGPGI के आइसोलेशन वार्ड में एडमिट है। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया नीरज आपका। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर के खिलाफ FIR से बड़ा खुलासा हुआ। FIR के मुताबिक 14 मार्च को एयरपोर्ट पर ही पता चला गया था कि कनिका कपूर कोरोना संक्रमित हैं। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने बताया कि 11 मार्च को ही कनिका कपूर लखनऊ आ गई थी। लंदन से लौटी कनिका कपूर कोरोना पॉजिटिव पाई गई। लंदन में लौटने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कई जगह पार्टियां की। कनिका कपूर पर लखनऊ के गोमती नगर, हजरतगंज, सरोजनी नगर में FIR दर्ज की गई है।